हम आए दिन रेप और गैंग रेप की खबरें सुनते रहते हैं, जिन्हें सुनकर रोजाना खून खौल जाता है कि इतने सख्त कानून होने के बाद भी रेप करने वालों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही फिर एक बार दिल्ली में हुआ, जहां एक नाबालिग के साथ तीन लोगों ने बारी बारी जबरदस्ती की और कुछ समय बाद नाबालिग को वापस छोड़कर वहां से फरार हो गए। दरअसल ये मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां एक नाबालिग बच्ची ने तीन लड़कों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया है। नाबालिग ने बताया कि वह वसंत विहार इलाके की रहने वाली है और वह 10वीं कक्षा की छात्र है। वह 6 जुलाई को अपनी एक सहेली के साथ मोतीबाग घूमने गई थी। रात में घर वापस लौटते समय वहां दो लड़के थे, जो उसे घूमने के बहाने से अपने साथ ले गए और रास्ते से उन्होंने अपने एक और दोस्त को बुला लिया, जो गाड़ी लेकर आया था। गाड़ी में उन्होंने उसे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई और बारी बारी उसके साथ गैंग रेप किया। उसके मना करने पर उसके साथ मारपीट भी की और गाड़ी को दिल्ली से गाजियाबाद घुमाते रहे। इतना सब करने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा था। उन्होंने रेप करने के साथ साथ उसे रिकॉर्ड भी करा। उनका दिल भर जाने के बाद उन्होंने उसे वापस दिल्ली छोड़ दिया और तीनों वहां से फरार हो गए। गौरतलब है कि पीड़िता ने जल्दी से जल्दी थाने पहुंचकर अपनी आप बीती पुलिस को बताई और पुलिस ने कई आईपीसी धाराओं के तहत और 6/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने सही समय पर जांच शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज भी सरकार से सभी का एक ही सवाल है कि कब इन मुद्दों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे और कब तक बने हुए कानूनों का इसी तरह मजाक बनता रहेगा। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मीडिया दरबार। धन्यवाद।